Hello viewers, welcome to my channel Foreign Math. Today I am going to explain you chapter 1, which is taken from class 9 from NCERT CBSE book, and the chapter name is number system, and I am going to explain you example 17, which is given that rationalize the denominator of 1 by root 2. Aapko rationalize karna hai, yahan diya hai denominator ko rationalize karna hai, matlab koi bhi sankhya agar root mein rehta hai, suppose maan lijiye रूट थ्री रूट फाइव ये जितने सारे संख्या रूट में रहते हैं तो वो रेशनल नंबर नहीं होता, लेकिन जब उसको हम मतलब फाइव बाय फोर मतलब रूट से हम उसको निकाल देते हैं तभी उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है ये रूट में है, तो ये रूट में है इसलिए ये इरेशनल नंबर है, जब हम इसकी रूट को हटा देंगे तब वो एक रेशनल नंबर बन पाएगा, ठीक है। तो हमें वही करना है, डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर करना है, ठीक है। तो रेशनल नंबर करने के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको लिख लीजिए, फिर आपको पता होगा अगर कोई भी रूट में संख्या अगर है उसको अगर हम दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए रूट टू है उसको अगर मैं और एक बार रूट टू को इंटू करूंगा तब रूट टू हो जाएगा टू। तो हमें कोई भी अगर रूट में संख्या है उसको अगर हम दो बार मल्टीप्लाई कर देते तो उस संख्या से रूट हट जाता है और दो संख्या में से हमको एक ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ रूट टू है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ भी एक रूट टू इंटू कर लूंगा। नीचे फ्रैक्शन में अगर इंटू करते हैं, नीचे जो भी संख्या इंटू करते हैं ऊपर भी वही संख्या इंटू करना पड़ता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा मेरा रूट टू इंटू रूट टू, नीचे वाला मेरा आ जाएगा टू, एंड रूट टू इंटू वन हो जाएगा रूट टू, क्योंकि वन के साथ कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। देखिए मेरा यहाँ रूट में था डिनोमिनेटर, अभी मेरा रूट नहीं है तो ये एक रेशनल नंबर हो सकता है, मतलब हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था तो उसी तरह आपका डिनोमिनेटर आपका यहाँ टू हो गया जो कि रूट में नहीं है, और जो संख्या रूट में नहीं होता उसको हम रेशनल नंबर के तौर पर लिख सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल 18 में जाएंगे, एग्जाम्पल 18 दिया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 बाई 2 प्लस रूट 3। यहाँ देखिए आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ये न्यूमरेटर मेरा रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में टू मेरा रेशनल नंबर है, लेकिन रूट थ्री जो है वो इरेशनल नंबर है, उसको रेशनलाइज करना है। तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। उसके साथ अगर इंटू करूंगा मैं टू माइनस रूट थ्री, ठीक है, टू माइनस रूट थ्री अगर नीचे इंटू टू माइनस रूट थ्री दिया है तो ऊपर भी आपको टू माइनस रूट थ्री इंटू करना है। देखिए आप यहाँ ये मैंने इसलिए टू माइनस रूट थ्री किया है क्योंकि a माइनस बी सॉरी a प्लस बी और इन टू ए माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला में आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये टू है, ये टू है तो मतलब ये दोनों समान है, तो इसको भी a और इसको भी a मान लीजिए, ये रूट थ्री है ये भी रूट थ्री है तो इसको b मान लीजिए, तो ये फॉर्मूला में आ गया a प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, तो वो किसकी फॉर्मूला में आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ले लूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, इसको देखिए आप रूट थ्री वन के साथ कोई भी संख्या इंटू करिए तो वो उतना ही आएगा, लिख दिया मैंने। फिर इसको ए लिया था तो फॉर्मूला में डालिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर, क्योंकि मुझे किसी भी तरह करके रूट रूट की संख्या को स्क्वायर में लाना है, तभी वो रूट हट जाएगा वहां से, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू माइनस रूट थ्री बाय टू का स्क्वायर होता है फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री, तो ये कितना आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री बाय फोर माइनस थ्री होगा वन, आपका ये होगा आपका आंसर, रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर का पी बाय क्यू फॉर्म में रहता है, तो ऊपर वाला पी है नीचे वाले क्यू है, मुझे क्यू को मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना था तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो अभी हम एग्जाम्पल 19 में जाएंगे, एग्जाम्पल 19 दिया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 बाय रूट थ्री माइनस रूट फाइव, यहाँ भी डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है, डिनोमिनेटर आपका ये रूट थ्री है रूट फाइव है जो कि रेशनल नंबर है उसको हमें रेशनल नंबर बनाना है। तो आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 5 बाय रूट थ्री माइनस रूट फाइव, तो यहाँ मैं क्या करूंगा यहाँ रूट थ्री प्लस रूट फाइव इंटू कर लूंगा, ठीक है। नीचे जितना इंटू करते हैं ऊपर भी उतना ही इंटू कर लिया, क्योंकि ये मेरा समान है मतलब ये रूट थ्री है ये रूट थ्री है तो इसको मान लीजिए, इसको भी ये मान लीजिए, ये रूट फाइव है ये रूट फाइव है तो इसको भी मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, तो ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी
a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में आ गया। तो अभी आप इसको कर लेंगे 5 बाय 5 के साथ, ये देखिए 5 और ये 3, कोई भी संख्या को अगर आप रूट में या बिना रूट की संख्या इंटू करते हैं तो उस तरह रहता है, उसके साथ इंटू नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये 5 और इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 बाय ये a है मेरा, तो a की स्क्वायर दे दीजिए आप, माइनस को माइनस दीजिए, फिर b स्क्वायर है, b मेरा कितना है रूट 5 है, तो रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना है, 5 रूट 3 प्लस रूट 5 इसको लिख दीजिए ऊपर जो था, फिर नीचे आपको क्या करना है, रूट 3 स्क्वायर होती है 3 एंड रूट 5 का स्क्वायर होती है 5, ठीक है। तो ये आ गया, तो अभी हम 5 होल रूट 3 प्लस रूट 5 को वैसे रहने दीजिए आप, देन आपको नीचे माइनस 5 है तो बड़ा वाला संख्या माइनस पे है तो रिजल्ट आपका माइनस पे आएगा, तो 5 से 3 जाएगा 2, ठीक है। तो आप इसको जो माइनस है वो जनरली ऊपर लिखते हैं, तो माइनस 5 बाय 2 होल रूट 3 प्लस रूट 5, मुझे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 20 में जाएंगे, एग्जाम्पल 20 में दिया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 बाय 7 प्लस 3 रूट 2, रूट 2 मेरा यहाँ इरेशनल नंबर है उसको रेशनलाइज करना है, तो आपको जो दिया है संख्या पहले उसको लिख लीजिए आप, यहाँ 7 प्लस 3 रूट 2 है, मैं अगर और एक 7 माइनस 3 रूट 2 को इंटू कर लूंगा तो वो मेरा फॉर्मूला में आ जाएगा, आपको नीचे जितना इंटू किया है ऊपर भी उतना ही इंटू कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 के साथ कोई भी संख्या को इंटू कीजिए तो उतना ही आएगा, बाय ये a हो गया, ये a, ये b मतलब a प्लस b a माइनस b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये 7 माइनस 3 रूट 2 को 7 माइनस 3 रूट 2 रखिए, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू, ये इंटू में है यहाँ, तो 2 का स्क्वायर होता है रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, 7 माइनस 3 रूट 2 को 7 माइनस 3 रूट 2 रखिए, देन 49 को 49 माइनस 9 टू जार होता है 18, ठीक है। 7 माइनस 3 रूट 2 बाय ये हो जाएगा आपका 1, ये 3 31, ये हो गया आपका रेशनल नंबर बिना रूट के, तो जो संख्या बिना रूट में रहते हैं विदाउट रूट में रहता है तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, तो यहाँ रूट 2 था इरेशनल नंबर, मुझे उससे रेशनल नंबर बनाना था।